मैं आपके ज्ञान का आदर करता हूं, लेकिन सर को गुरु नहीं बना सकता। Enough! गुरुजी, कुछ लोगों के साथ बहस करना या उम्मीद लगाना ही फिजूल। तौहीन और निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं आता। इट्स ओके हरीश, बच्चा रास्ते से भटका हुआ है तो उसे सही मार्ग पर लाना तो उसके गुरु का ही काम है ना। एक मिनट गुरुजी। आपके बड़कपन के लिए शुक्रिया, लेकिन इस घर में सिर्फ एक ही गुरु है जो आज तक हम सबको संभालते आए, और वो है हमारे बाऊजी। और जहां बाऊजी जैसे गुरु हो वहां किसी और गुरु की क्या जरूरत। सुप्रिया, आज तुमने भी अपनी सारे हदें छोड़ दी। इट्स ओके हरीश, कोई नहीं हरीश, मां ने मुझे संकेत दे दिया है, मैं अभी इसी वक्त घर से चला जाऊंगा। मां की इच्छा टाल सकूं, अभी इतनी सिद्धियां प्राप्त नहीं की मैंने। ऐसा मत कीजिए गुरुजी, अपने पूरे परिवार की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। आप अगर जो नाराज होकर चले गए, हम कभी भी चैन से नहीं रह पाएंगे। नो नो, जिस घर में इतने परम ज्ञानी हैं, उस घर में मुझ जैसे तुच्छ का कोई मोल नहीं है। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारी गुरु दक्षिण के लिए। अच्छा तो आज्ञा दीजिए। आपसे निवेदन है गुरुजी, हाथ जोड़कर निवेदन है, मत जाइए। इस बच्चे आपका यहां होना इस घर के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। जिन्हें इस बात की कदर नहीं उनसे तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, आप मुझे बस हुक्म दीजिए, आपका ये शिष्य आपको गुरु दक्षिणा देने से ना नहीं करेगा। दे पाओ? आप इशारा तो कीजिए गुरुजी। दीवार पर टंगी अपने बाऊजी की तस्वीर वहां से हटा पाओगे? हरीश, जैसे बोली सिर्फ एक कन्हैया की ही चल सकती है, जैसे ज्ञान की गंगा का स्रोत सिर्फ एक हो सकता है, और क्लास में दो दो टीचर एक साथ नहीं पढ़ाई करा सकते। नाउ द चॉइस इज योर्स हरीश, जाओ मुझे गुरु चुन लो, या फिर दीवार पर टंगी उस तस्वीर को। ये क्या कर रहे हैं आप? बाऊजी है वो हमारे, हम सब हैं तो इनसे ही हैं। सुप्रिया प्लीज, जब मैं आपको किसी चीज के लिए कुछ कह नहीं सकता तो आपको भी मुझे रोकने का कोई हक नहीं। आपको रोक भी कौन सकता भैया,
मनमानी करने की आदत हो गई है आपकी। बहू जी की तस्वीर इस दीवार से हटाने का हक किसने दिया आपको? जिस चीज से गुरु जी का अपमान हो वो हर चीज इस घर से बाहर जाएगी। जी, आप इन्हें समझाइए ना। प्लीज स्टॉप। दादाजी की तस्वीर इस दीवार से नहीं हटेगी। तुम शायद भूल रहे हो नरेन, हमने तय किया था हम दोनों एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। ये आपका अहंकार था या आपका डर? जहां ज्ञान होता है वहां ना अहंकार होता है न डर। फिर शायद आपकी शिक्षा अब भी अधूरी है सर, क्योंकि कोई भी गुरु अपनी ज्ञान की सीमाएं नहीं बांधता। और किसी तस्वीर से डर जाए कोई गुरु इतना भी कमजोर नहीं। तो अब तुम हमारे गुरु बनोगे? ना मैं किसी का गुरु बन सकता हूं और ना ही किसी को अपना गुरु बनाना चाहता हूं। इनफैक्ट आपको ये तस्वीर हटानी है ना, प्लीज प्लीज गो अहेड। आपकी तस्वीर हटा देने से भी मेरे गुरु मेरे दादाजी ही रहेंगे। तभी तो तुम उनकी तरह अब तक भटक रहे। क्या पा लिया तुम्हारे दादाजी ने? न कोई सिद्धि न कोई शक्ति। ऐसी भक्ति का क्या फायदा जो परमात्मा तक पहुंचे ही नहीं? जहां नियत फायदा देखे वहां सच्ची भक्ति नहीं। पर ऐसे लोग कहते हैं कि जहां भक्ति में सच्चाई हो वहां ईश्वर होंगे, लेकिन शायद ये अनुभव आपने कभी किया ही ना हो। नरेन, तमीज से बात। तुम कहना क्या चाहते हो? ये मेरी सिद्धियां, ये शक्तियां, ये ईश्वर की देन नहीं। इन हाथों के चमत्कारों को तुम सबने यहां अनुभव किया है, तो क्या मेरे चमत्कारों में ईश्वर नहीं? क्या आपके चमत्कार मौत को छल सकते हैं? तो फिर इन चमत्कारों में ईश्वर कैसे? जो खुद ईश्वर को ढूंढ रहा हो वो ईश्वर के एहसास को क्या समझेगा? फाइन, अगर आपने ईश्वर को पा लिया तो मैं भी उनकी शक्ति अनुभव करना चाहता हूं सर। लखन, चाकू लेकर आओ। वही खड़े रहो। ये एप्पल मैं अपने सर पर रख रहा हूं। उस चाकू से तुम इस एप्पल पर निशाना लगाओगे। लेकिन नरेन बाबू, मैं तो साफ साफ देख भी नहीं पाता कहीं। तोड़ वही लखन, सर अपने सिद्धियों से मुझे कोई नुकसान होने नहीं देंगे। राइट सर? दिस इज टू मच। सुप्रिया, अपने लाडले को रोकिए। रोज नए नए तमाशा करने की आदत सी हो गई ऐसे। भाई आई अंडरस्टैंड, आप बिना लॉजिक के कुछ नहीं करते। पर इतने पहुंचे हुए इंसान को परखना उनकी बेइज्जती करने के बराबर हुआ भाई। नहीं राहुल, भाई अपनी जगह एकदम सही है। और बात सिर्फ नाना जी की तस्वीर की नहीं है। मान ले राहुल, कल को गुरुजी तेरे को ये कहते हैं कि अपने मॉम डैड को घर से बाहर निकाल दे, तो तू उनको घर से बाहर निकाल देगा? हाँ, लखन निशाना लगाओ।
इतना बचपना, मैं घर के बच्चों के साथ ऐसा खेल खेलना पसंद नहीं करता। गुरुजी, अगर नरेन बाबू इस घर के बच्चे हैं, तो आप अपना चमत्कार मुझ पर दिखा सकते हैं। मैं तो इस घर की नहीं। नरेन बाबू, लखन भैया, आप अपना निशाना मेरे सर पर लगाइए। बस बहुत हुआ उपहास। मेरे चमत्कार, मेरी सिद्धियों का उपहास करके तुम ईश्वर का मजाक उड़ा रहे हो नरेन। मेरे चमत्कार ही ईश्वर का प्रमाण है। ऐसा किस ग्रंथ में लिखा है? गीता के 15वें अध्याय में यही कहा गया है कि ईश्वर सिर्फ भक्ति में, चमत्कार तो सिर्फ वृक्ष निष्ठ की तरह होते हैं। कुरान शरीफ के दूसरे सूरह के 255 आयत में भी यही कहा गया कि इस सृष्टि का कोई भी इंसान ना तो ऊपर वाले की जगह ले सकता, ना तो उनके बराबर पहुंच सकता है। बाइबल का चैप्टर 3:5 भी यही कहता है कि सिर्फ ईश्वर के रास्ते में ही शक्ति है। पर वो ईश्वर का रास्ता है कौन सा? तुम भी तो सालों साल से उस रास्ते पर भटक रहे हो। पर क्या उस परम शक्ति के एहसास का अनुभव कर पाए? अगर मेरे चमत्कार में ईश्वर नहीं है तो फिर कहां मिलेंगे ईश्वर? जवाब है तुम्हारे पास। जाओ, पहले जवाब ढूंढ कर लाओ, पहले ईश्वर को महसूस करके आओ, फिर बात करेंगे। जवान तू, बड़ी बड़ी बातें, तुम्हारे बस का नहीं है ईश्वर को ढूंढ पाना। मैं जवाब ढूंढूंगा, ईश्वर कहां मिलेंगे इस बात का प्रमाण लेकर मैं आऊंगा, और वो भी 7 दिन के अंदर। Like your confidence. अगर 7 दिनों में तुमने ईश्वर का प्रमाण ढूंढ लिया तो मैं मान लूंगा कि मेरे चमत्कार में ईश्वर नहीं है, और तुम्हें अपना गुरु स्वीकार कर मैं अपनी शिक्षा की फिर से शुरुआत करूंगा। लेकिन अगर 7 दिन बाद तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं हुआ तो आप जो कहेंगे मुझे मंजूर होगा। सोच लो, तुम बहुत बड़ा दांव लगा रहे। ईश्वर की तलाश के सामने हर दांव छोटे हैं सर। तो ठीक है, डील डन। आज से ठीक 7 दिन बाद हम इसी जगह पर मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। सात दिन बाद तुम मेरे चरणों में होगे नरेन, क्योंकि तुम्हारे सवाल का जवाब मिल पाना असंभव है। ये आपने कैसा चैलेंज ले लिया नरेन बाबू? इस सवाल का जवाब कैसे ढूंढेंगे आप, वो भी 7 दिन में? गुरुजी,
नरेन बाबू को इस तरह भटका कर आपको क्या हासिल होगा? मैंने क्या किया है पूजा? ये रास्ता तो नरेन ने खुद चुना है। लेकिन उन्हें उकसाया तो आप नहीं। नरेन कब से दूसरों की बातों में आने लगा? जानता हूं कि जो रास्ता नरेन ने चुना है उसका कोई मुकाम नहीं, लेकिन तुम इतनी जल्दी विचलित हो जाओगी ये मैं नहीं जानता था। पर पूजा, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि तुम मुझसे अब क्या चाहती हो। क्या मैं इस चैलेंज को खत्म कर दूं, या वहां बाहर जाकर सारे लोगों से ये कह दूं कि नरेन ने अपनी खोज शुरू करने से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली है? वैसे भी आज नहीं तो कल ये तो होना ही। इतना गुरूर, लेकिन किस बात का गुरुजी? आपकी झूठी सिद्धियों का? अगर आप सच में पहुंचे हुए होते तो आप कभी इतनी छोटी हरकत करते ही नहीं। मुझे मॉरल साइंस का लेक्चर देने की आवश्यकता नहीं है पूजा। आप पर इन लेक्चर्स का असर होगा भी नहीं। आप तो अपना ज्ञान का ही सौदा कर आए हैं गुरुजी। आज तक भले ही कोई ईश्वर का प्रमाण ना कर पाया, लेकिन मैं आज उसी ईश्वर से विनती करूंगी कि वो नरेन बाबू के सवालों का जवाब ढूंढने में मदद करे, ताकि आप जैसे लोग ईश्वर के आशीर्वाद का फायदा ना उठा पाए। इस वक्त मेरी नहीं, अपने नरेन बाबू की चिंता करो पूजा, क्योंकि 7 दिन बाद भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिलने वाला, और नरेन को अपनी हार की भरपाई तो करनी ही होगी। उन्हें कोई भरपाई नहीं करनी पड़ेगी गुरुजी। मैं जानती हूँ कि ईश्वर का प्रमाण आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया, लेकिन उनके अस्तित्व को भी तो कोई नहीं नकार पाया है। नहीं तो अभी तक आपके इरादे सफल हो चुके होते गुरुजी। मेरे होते हुए नरेन बाबू का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ना आज और ना 7 दिन बाद। ये तो 7 दिन बाद ही पता चलेगा मुझे। वैसे नरेन बाबू जवाब की तलाश में कहां जाने वाले? तुम्हारे मामा जी के घर? फिर तो तुम्हारे लिए भी आगे का रास्ता आसान नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे आभास हो रहा है कि वहां के दरवाजे तो तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। जाओ बेटा, मेरे साथ बहस में अपना वक्त जाया मत कर और अपनी हार की तैयारी शुरू कर। तुझे तेरी जॉब, नरेन बाबू और तेरी नई फैमिली मुबारक हो। और पापा के टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, उनका बेटा है उनका ख्याल रखने के लिए। और याद रहे, एक दिन मतलब एक ही दिन, वरना दोबारा हमारे तरफ मुड़ कर भी मत देखना। पूजा, पूजा, जल्दी चलो। पर कहाँ? जरा सवाल जवाब करने का वक्त नहीं है, हम तुम्हारे मामा जी के घर जा रहे हैं। चलो। क्या हुआ? अपने घर ही तो जा रही हो, प्रीति परेशान क्यों? नरेन बाबू, हम देहरादून नहीं जा सकते। आप जानते हैं ना, इस वक्त वहां मुझसे सब बहुत नाराज हैं। कोई अपनों से कितने दिन रूठ सकता है? सीधे जाके अपने भाई को गले से लगा लेना, देखना अपना गुस्सा ऐसे भूल जाएगा। लेकिन आपको इतना यकीन क्यों है कि मामा जी के पास ही कोई हल होगा? पता नहीं, अंदर से फीलिंग आई तो बस हम वहां जा रहे हैं। तुम्हारे मामा जी बहुत नॉलेजेबल है, 2-3 बार हमारी बात हो चुकी है, हर बार उनकी बातों में एक वजन सा महसूस किया है। बाकी बातें प्लीज रास्ते में कर लेना। चले चल। हम वाले जाओ, कहीं इस बार गुरुजी का दांव उल्टा ना पड़ जाए। हम वहां पहुंचे
उसके पहले ही मुझे मामी से परमिशन लेनी पड़ेगी। जानती हूँ आप सब बहुत नाराज हैं, लेकिन इस वक्त नरेन बाबू को जवाब मिलना भी बहुत जरूरी है। देख यार, सिचुएशन सच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और मेरे यहाँ रुकने से किसी इंसान की लाइफ संभल सकती है, तो उसमें क्या गलत है? दर्द भी उसका, मरहम भी उसका, भूले को रास्ता वही दिखाए। एक बार समर्पण करके देखो, खोए जवाब खुद ही मिल जाए।